तड़के से ही शुरू हो गया है। तो देश के विभिन्न हिस्सों से जुड़ेंगे और बताएंगे आपको कि किस तरीके से ये वैक्सीन हमारे देश के कोने कोने तक पहुंच रही है, ताकि फ्रंटलाइन वर्कर्स 3 करोड़ जिनकी संख्या है, उन्हें 16 तारीख से जो टीकाकरण अभियान शुरू होगा उसमें उन्हें ये टीका दिया जा सके। तो आज दिन भर की और इस वक्त की सभी बड़ी खबरें भी है हमारे साथ में, आइए शुरुआत करते हैं इन्हीं बड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंशवादी राजनीति को देश के लिए बताया चुनौती, द्वितीय राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव समारोह को किया संबोधित, पीएम ने युवाओं से वंशवादी राजनीति की लड़ाई में सक्रिय होने का किया आग्रह। पुणे से कोरोना वैक्सीन की पहली खेप पहुंची दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद, हैदराबाद और बेंगलुरु, कोरोना वैक्सीन की 56,50,000 खुराकों को 13 गंतव्यों तक पहुंचाने के लिए 9 उड़ानों का संचालन, 3 करोड़ हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की खुराक देने के लिए शनिवार से शुरू होने वाला है कोविड टीकाकरण का पहला अभियान। सुप्रीम कोर्ट नए कृषि कानूनों के खिलाफ धरने पर बैठे किसानों को हटाने की मांग वाली और कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज अंतरिम आदेश कर सकता है पारित। सोमवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने इस मामले में समिति गठित कर गतिरोध को खत्म करने में मदद करने की कही थी बात। सेना प्रमुख जनरल एनएन नरवणे ने कहा भारत सभी बाहरी और आंतरिक चुनौतियों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार, कहा आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के प्रयास के स्वरूप घरेलू उद्योग के साथ साथ 80-85% रक्षा अनुबंध। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आतंकवाद से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग विषय पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आज होने वाली बहस में लेंगे हिस्सा, प्रस्ताव 1373 को अपनाए जाने के 20 साल बाद आतंकवाद से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग विषय पर होगी बैठक। सड़क हादसे में घायल केंद्रीय मंत्री श्रीपद नाइक के स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कर रहे हैं गोवा का दौरा, श्रीपद नाइक का गोवा मेडिकल कॉलेज में उपचार जारी, राष्ट्रपति ने की गोवा मुख्यमंत्री से बात, कल हुई दुर्घटना में श्रीपद नाइक की पत्नी और निजी सचिव की मौत। और खेल खबरों में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे और आखिरी टेस्ट मैच से पहले भारत को 2 बड़े झटके, चोट के कारण जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा हुए बाहर, फिलहाल सीरीज है 1-1 से बराबरी पर। आइए शुरुआत करते हैं अब इस वक्त की बड़ी खबर से। स्वामी विवेकानंद की जयंती के मौके पर आज संसद के केंद्रीय कक्ष में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का आयोजन किया गया। देश भर से आए युवा प्रतिभागियों के बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और युवा एवं खेल मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर से आए इन युवाओं को संबोधित किया। पहली बार राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन तकनीक का उपयोग करते हुए किया गया है, युवाओं ने ऑनलाइन और ऑफलाइन इसमें हिस्सा लिया, कई प्रतियोगिताएं भी कराई गईं। स्वामी विवेकानंद की जयंती के मौके पर राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने अपने विचारों के जरिए जो देश को दिया है वो समय और स्थान से परे हर पीढ़ी को प्रेरित करने वाला है। उन्होंने कहा कि हर भारतवासी स्वामी विवेकानंद से जुड़ा महसूस करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी जी की प्रेरणा ने देश में आजादी की लड़ाई को भी नई ऊर्जा दी थी। स्वामी जी ने जो देश और समाज को दिया है वो समय और स्थान से परे हर पीढ़ी को प्रेरित करने वाला है, रास्ता दिखाने वाला है। आप देखते होंगे कि भारत का शायद ही ऐसा कोई गांव हो, कोई शहर हो, कोई व्यक्ति हो जो स्वामी जी से खुद को जुड़ा महसूस न करता हो, उससे प्रेरित न होता हो।
स्वामी जी की प्रेरणा ने आजादी की लड़ाई को भी नई ऊर्जा दी थी। गुलामी के लंबे कालखंड ने भारत को हजारों वर्षों की अपनी ताकत और ताकत के एहसास से दूर कर दिया था। स्वामी विवेकानंद ने भारत को उसकी वो ताकत याद दिलाई। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी विवेकानंद के अनमोल उपहार का जिक्र करते हुए कहा कि स्वामी विवेकानंद ने देश को एक और अनमोल उपहार दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने ऐसी संस्थाओं को भी आगे बढ़ाया जो आज भी व्यक्तियों के व्यक्तित्व निर्माण का काम बखूबी कर रही है। स्वामी विवेकानंद ने एक और अनमोल उपहार दिया है, ये उपहार है व्यक्तियों के निर्माण का, संस्थाओं के निर्माण का। और ज्यादातर ऐसे विषयों की चर्चा भी थोड़ी कम ही होती है, लेकिन हम अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि स्वामी विवेकानंद ने ऐसी संस्थाओं को भी आगे बढ़ाया जो आज भी व्यक्ति के निर्माण का काम बखूबी कर रही है। उनके संस्कार, उनका सेवा भाव, उनका समर्पण भाव लगातार जगाती रहती है। व्यक्ति से संस्था का निर्माण और संस्था से अनेकों व्यक्तियों का निर्माण एक अनवरत, अविलंब, अबाधित चक्र है जो चलता ही जा रहा है। युवा संसद महोत्सव के मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में लागू की गई नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का भी जोर बेहतर व्यक्तियों के निर्माण पर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण की इस नीति में युवाओं की इच्छा, कौशल, समझ और फैसले को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। आज जो देश में नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू की गई है उसका भी बहुत बड़ा फोकस बेहतर इंडिविजुअल्स के निर्माण पर है। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण, ये पॉलिसी युवाओं की इच्छा, युवाओं के कौशल, युवाओं की समझ, युवाओं के फैसले को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। अब चाहे जो सब्जेक्ट चुनिए, चाहे जो कॉम्बिनेशन चुनिए, चाहे जो स्ट्रीम चुनिए, एक कोर्स को ब्रेक देकर आप दूसरा कोर्स शुरू करना चाहे तो आप वो भी कर सकते हैं। अब ये नहीं होगा कि पहले वाले कोर्स के लिए आपने जो मेहनत की थी वो बेकार हो जाएगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीति को देश में सार्थक बदलाव लाने का सशक्त माध्यम बताते हुए देश के युवाओं से राजनीति में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाने का भी आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये युवाओं की जिम्मेदारी है कि भारत के भविष्य का वो नेतृत्व करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई सोच, ऊर्जा, नए सपने, नई उमंग की देश की राजनीति को बहुत जरूरत है। विवेकानंद जी कहते थे कि हमारे युवा, हमारे युवाओं को आगे आकर राष्ट्र का भाग्य विधाता बनना चाहिए, इसलिए ये आपकी जिम्मेदारी है कि भारत के भविष्य का नेतृत्व करें। और आपकी ये जिम्मेदारी देश की राजनीति को लेकर के भी है, क्योंकि राजनीति, पॉलिटिक्स देश में सार्थक बदलाव लाने का एक सशक्त माध्यम है। हर क्षेत्र की तरह पॉलिटिक्स को भी युवाओं की बहुत ज्यादा जरूरत है। नई सोच, नई ऊर्जा, नए सपने, नया उमंग, देश की राजनीति को इसकी बहुत जरूरत है।
और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये बात सही है कि केवल सरनेम के सहारे चुनाव जीतने वालों के दिन लद गए हैं, लेकिन आज भी राजनीतिक वंशवाद देश के सामने बड़ी चुनौती है जिसे जड़ से उखाड़ना है। उन्होंने कहा कि राजनीति में वंशवाद का ये रोग अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है, अभी भी ऐसे लोग हैं जिनका विचार आचार जिनका लक्ष्य सब कुछ राजनीति में अपने परिवार की राजनीति और राजनीति में अपने परिवार को बचाने के लिए है। पीएम ने कहा कि राजनीतिक वंशवाद को बढ़ावा देने वाले लोग तानाशाही को नए रूप में देश पर अक्षमता का बोझ भी बढ़ा देते हैं। पीएम ने कहा कि राजनीतिक वंशवाद राष्ट्र प्रथम की बजाय केवल मैं और मेरा परिवार इसी भावना को मजबूत करता है। राजनीतिक वंशवाद देश के सामने ऐसी ही चुनौती है जिसे जड़ से उखाड़ना है। ये बात सही है कि अब केवल सरनेम के सहारे चुनाव जीतने वालों के दिन लदने लगे हैं, लेकिन राजनीति में वंशवाद का ये रोग अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। अभी भी ऐसे लोग हैं जिनका विचार जिनका आचार जिनका लक्ष्य सब कुछ अपने परिवार की राजनीति और राजनीति में अपने परिवार को बचाने का ही है। साथियों, ये राजनीतिक वंशवाद लोकतंत्र में एक नए रूप के तानाशाही के साथ ही देश पर अक्षमता का बोझ भी बढ़ा देता है। राजनीतिक वंशवाद नेशन फर्स्ट के बजाय सिर्फ मैं और मेरा परिवार इसी भावना को मजबूत करता है। और युवा संसद महोत्सव में भाग लेने देश के अलग अलग भागों से आए युवाओं को देखकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि आज नौजवानों का लघु भारत यहाँ दिख रहा है। उन्होंने युवा संसद महोत्सव से जुड़े युवाओं से संसदीय मूल्यों प्रक्रिया और परंपराओं को देश के अधिकतम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करने की भी अपील की। आज इस ऐतिहासिक संसदीय भवन के इस केंद्रीय कक्ष में आप देश के अलग अलग हिस्सों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे लघु भारत यहां पर मुझे नौजवानों का दिख रहा है। और इसीलिए इस लघु भारत के स्वरूप में हम सबका दायित्व बनता है कि हम किस तरीके से संसदीय परंपराओं प्रक्रियाओं और मूल्यों को देश के अधिकतम लोगों को पहुंचाने में अपना सक्रिय प्रयास करें। आप यहां से नई शक्ति नई ऊर्जा का स्रोत लेकर जाएंगे और वह देश के अलग अलग क्षेत्रों में लोकतंत्र को मजबूत करेगा और उसके साथ साथ ही देश की समस्याओं और कठिनाइयों का समाधान भी इसी लोकतांत्रिक वार्ताओं से निकालने का प्रयास होगा। और युवा संसद महोत्सव के मौके पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि युवाओं का सशक्तिकरण केवल युवाओं का नहीं बल्कि राष्ट्र का भी सशक्तिकरण है। संसदीय एवं संवैधानिक प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण अंग किसी भी देश के नागरिक होते हैं और उनमें भी सबसे महत्वपूर्ण वर्ग होता है उसका युवा। युवाओं को अपने संवैधानिक अधिकारों की जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक होना प्रजातांत्रिक व्यवस्था में एक अहम भूमिका निभाता है। युवाओं का सशक्तिकरण केवल युवाओं का ही नहीं अपितु राष्ट्र का भी सशक्तिकरण है। और इस महत्वपूर्ण अवसर पर युवा संसद महोत्सव को संबोधित करते हुए युवा एवं खेल मामलों के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार किरेन रिजिजू ने कहा कि देश भर के 2,34,000 युवाओं ने पूरे उत्साह के साथ इसमें भाग लिया है। उन्होंने बताया कि पहली बार तकनीक के माध्यम से किए गए हाइब्रिड मोड में इस आयोजन में ऑफलाइन और ऑनलाइन को मिलाकर 7,00,000 युवाओं ने इसमें आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में भागीदारी की है। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के इस संस्करण में देश भर के 2,34,000 युवाओं ने पूर्ण उत्साह से भागीदारी की। पहली बार राष्ट्रीय युवा महोत्सव के 24वें संस्करण का आयोजन टेक्नोलॉजी के प्रयोग करते हुए हाइब्रिड मोड में
किया गया है तथा इसमें रिकॉर्ड भागीदारी हुई है। मुझे ये बताते हुए हार्दिक प्रसन्नता है कि इस महोत्सव में ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मिलाकर के 7 लाख युवाओं ने 24 विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के विजेताओं ने सरकार की योजनाओं के बारे में आज अपने विचार साझा किए और इसके बारे में सलाह भी दी। वस्तुतः प्रकृति ने भारतवर्ष को अनेकानेक संसाधनों व लाभांशों का उपहार दिया है। यह स्थिति भारत के उत्पादों को एक बेहतर आधार प्रदान करती है। ऐसे में जब वोकल फॉर लोकल की चेतना के साथ हम 125 करोड़ लोग भारतीय उत्पादों के साथ खड़े हो गए हैं, तो अब एक सकारात्मक चक्र उत्पन्न होगा और इस तरह भारत के उत्पाद गुणवत्ता की दृष्टि से उत्तरोत्तर प्रगति करते चले जाएंगे और विश्व में स्थापित होंगे नए कीर्तिमान। वह दिन दूर नहीं जब हमारे लोकल उत्पाद ग्लोबल होंगे। This initiative aims to encourage each and every citizen of the nation to endorse local and made in India products, not only by purchasing them, but also by promoting them with pride and dignity. I firmly believe that this initiative would transform India into an economic superpower. With sustained quality and competitive pricing, local brands may become national brands and further aspire to become global brands, thereby strengthening brand India. The one who is self-reliant is the happiest, and to make India self-reliant, be vocal for local is the antidote. And this antidote could be made possible by the youths. तो इस मंच पर जोश और उत्साह से लबरेज हमारे युवाओं ने भी रखे अपने विचार, और इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र से। शैलेंद्र, हमने कई बातें सुनी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज युवा संसद महोत्सव के मौके पर युवाओं को संबोधित करते हुए कही, लेकिन अगर हम पूरे संबोधन का एक लबलुआब समझने की कोशिश करें तो कौन सा है ऐसा बड़ा संदेश जो प्रधानमंत्री ने आज न केवल संदेश दिया युवाओं को बल्कि उनसे महत्वपूर्ण आह्वान भी किया? देखिए, 2-3 बहुत महत्वपूर्ण संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इस युवा संसद महोत्सव में दिया है। सबसे प्रमुख यह है कि युवाओं से आह्वान किया गया है कि जो नया भारत है, जो नव भारत है, उसके निर्माण में जो युवाओं की जो सबसे अहम भूमिका है उसमें वो अपनी भूमिका निभाएं, और जो अगले 25-26 वर्ष एक तरह से देखें बहुत महत्वपूर्ण उनके जीवन में है और राष्ट्र के भी जीवन में वो 25-26 वर्ष आने वाले बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो ऐसे में ये युवा अपनी भूमिका और अपनी भागीदारी को आगे बढ़कर निभाएं, और ये दारोमदार है एक तरह से उन पर कि किस तरह से देश को आगे ले जाना है, देश को जो न्यू इंडिया का जो हमारा सपना है, जो उसके लक्ष्य हैं, उसको पूरा करने में इन युवाओं की जो महत्वपूर्ण भूमिका होनी है। और दूसरी बात यह है कि राजनीतिक तौर पर ये स्पष्ट तौर पर ये भी कहा कि राजनीति में युवाओं की भागीदारी बहुत जरूरी है। ये भी जरूरी है कि राजनीति में युवा आए। पहले जो एक धारणा हुआ करती थी कि जब राजनीति में कोई युवा आता था तो परिवार के लोग कहते थे कि लड़का बिगड़ गया है या एक तरह से उसे अच्छी तरीके से नहीं देखा जाता था, लेकिन अब वो एक तरह से माहौल बदल गया है। अब ईमानदारी की बात होती है, अब राजनीति में इन युवाओं की ज़रूरत है और इन युवाओं की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो राजनीति में अपनी जिम्मेदारी को संभालें और वंशवाद की जो एक बुराई है जिसमें जिसकी जिस बुराई में अभी भी कह सकते हैं कि बहुत कुछ आगे उसको खत्म किया जाना जरूरी है, उसमें एक तरह से देखें तो उस बुराई का अंत जरूरी है। तो ऐसे में उस युवाओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है कि वो राजनीति में आगे आए और वो देश का भविष्य है, देश में आगे आकर अपनी जिम्मेदारी संभालें। तो ये बहुत महत्वपूर्ण संदेश इसलिए भी है क्योंकि हम जानते हैं कि ये पूरा जो युवा संसद, राष्ट्रीय युवा संसद का जो ये कार्यक्रम रखा गया, पहले जिला स्तर और राज्य स्तर पर जो मॉक पार्लियामेंट आयोजित किया गया, उसके जो विजेता विनर्स आज संसद के केंद्रीय कक्ष में, इसका आयोजन ही ये अपने आप में बताता है कि युवाओं को किस तरह से संसदीय प्रक्रियाओं से अवगत कराना है जिससे कि वो जो आगे के जो लक्ष्य हैं, देश के जो नवनिर्माण के जो लक्ष्य हैं, उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। तो निश्चित तौर पर ये एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश दिया, और चूंकि विषय आप देखें जो राष्ट्रीय युवा संसद में रखा गया था वोकल फॉर लोकल, और इस ग्लोबल सप्लाई चेन में कोविड महामारी के दौरान जो भारत की जो स्थिति है, तो किस तरह से हम
अपने उत्पादों को ग्लोबल बना सकते हैं और जो भारत की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होने जा रही है विश्व बाजार में और आत्मनिर्भर भारत की जो हम बात कर रहे हैं उसको लेकर तमाम युवाओं ने अपने विचार भी रखे, हमने सुना। जी शैलेंद्र, मैं वही बात आपसे समझना चाह रही हूँ कि प्रधानमंत्री ने जब तमाम बातों को सामने रखा और युवाओं को एक बड़े संदेश भी दिया, लेकिन युवाओं के भी जो संबोधन रहे, क्योंकि विजेताओं के संबोधन आज सुनाए गए हैं, तो युवाओं के जो संबोधन रहे उसमें नए भारत की एक तस्वीर के साथ युवा को जुड़ता हुआ देखा गया। निश्चित तौर पर न केवल वो तीन विजेता जिनको आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने अपना भाषण रखने का मौका मिला, बल्कि तमाम उन युवा प्रतिभागियों से मैंने बातचीत की जो इस संसद के केंद्रीय कक्ष में शामिल होने आए थे इस युवा संसद कार्यक्रम में। तो निश्चित तौर पर वो इस बात को कह रहे थे कि इतने बड़े प्लेटफार्म पर उन्हें एक मंच मिला है एक दूसरे को समझने का, दूसरे राज्यों से जो युवा आते हैं उनके विचारों को समझने का, और साथ ही साथ जिन विषयों को लेकर दरअसल चर्चा और आपस में विचार विमर्श किया गया उसमें खास तौर पर उनकी भूमिका क्या हो सकती है। और जब अगर आप बात करें वोकल फॉर लोकल की, तो स्पष्ट तौर पर कई युवाओं ने इस बात की कहा कि कोई भी आप मल्टीनेशनल उत्पाद देख लीजिए, कोई भी ग्लोबल उत्पाद देख लीजिए, उसकी शुरुआत दरअसल लोकल उत्पाद के तौर पर हुई थी और जब लोगों का समर्थन मिला, लोगों की पसंद वो उत्पाद बना, तब वो आगे जाकर ग्लोबल हो सका। तो ऐसे में भारत में गुणवत्तापूर्ण उत्पाद की क्षमताएँ हैं, तमाम जो लोग हैं, अलग अलग जो विधाएँ हैं, कलाएँ हैं, और एक तरह से कह रहे हैं हमें आत्मनिर्भर भारत बनने की जो एक असीम क्षमता और दुनिया के बाजारों में भी एक बहुत महत्वपूर्ण पहुंच बनाने की जो भारत की क्षमता है उसे स्वीकारना होगा और उसे देखना होगा, उसे समर्थन देना होगा और तमाम जो सरकार की नीतियां हैं वो उस दिशा में आगे बढ़ रही हैं। तो ऐसे में युवाओं को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। तो तमाम युवा इस बात को लेकर आपस में चर्चा करते नजर आए और साथ ही साथ एक संदेश के साथ वो कह रहे हैं कि हम जा रहे हैं यहां से कि किस तरह से एक जो युवा की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। स्वामी विवेकानंद का जो सपना है, कहीं ना कहीं ये बात स्पष्ट है कि युवा हमारे देश का भविष्य है और इसी भविष्य को अगर हमें और रोशन करना है तो इन्हीं युवाओं को ना केवल संसदीय प्रणाली के साथ, राजनीति के साथ जोड़ना होगा, बल्कि जो देश के सपने हैं उनमें भी इनके रोल को, इनकी भागीदारी को और मजबूत करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। और अब बात कर लेते हैं टीकाकरण की। 16 तारीख को शुरू होने वाले टीकाकरण को लेकर देश में वैक्सीन पहुंचाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। कोरोना वैक्सीन की पहली खेप राजधानी दिल्ली पहुंच गई है। वैक्सीन का स्टोरेज दिल्ली में राजीव गांधी अस्पताल में किया जा रहा है। पुणे से फ्लाइट के जरिए सीरम वैक्सीन दिल्ली पहुंची। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से वैक्सीन सुबह करीब 4:30 बजे ही रवाना हुई थी और उसके बाद पहली खेप दिल्ली पहुंच चुकी है। और दिल्ली के अलावा पुणे से कोविशील्ड वैक्सीन की पहली खेप गुजरात के अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भी पहुंच गई। इस अवसर पर गुजरात के डिप्टी सीएम नितिन पटेल भी हवाई अड्डे पर ही मौजूद थे। तो ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं गुजरात से, जहां अहमदाबाद में गुजरात के टीकाकरण की पहली खेप पहुंच गई है और यहीं पर हवाई अड्डे से ही इस खेप को राज्य के अलग अलग क्षेत्रों के लिए रवाना किया गया है। तो ये महत्वपूर्ण दिन है आज का, जब वैक्सीन को पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से देश के अलग अलग शहरों में पहुंचाया गया है। और अगर अलग अलग शहरों की बात करें तो तमिलनाडु के चेन्नई में भी कोविशील्ड वैक्सीन की पहली खेप पहुंच गई है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं चेन्नई से, तो हम देख सकते हैं कि किस तरीके से देश के अलग अलग शहरों में कोविशील्ड वैक्सीन की पहली खेप रवाना की गई। पुणे से ये देश के अलग अलग हिस्सों में रवाना हुई और जाहिर है कि इस प्रक्रिया में हमारे एयरलाइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा है, जिन्होंने आज पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से देश के अलग अलग शहरों तक इस वैक्सीन की पहली खेप पहुंचाई है। और इस पूरी प्रक्रिया में तमाम एहतियात बरती गई है, क्योंकि हम जानते हैं कि 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान होना चाहिए अगर इस वैक्सीन को सुरक्षित रखना है, और इस बात का भी लगातार ध्यान रखा गया है। और इसी तरीके से हैदराबाद में भी कोविशील्ड वैक्सीन की पहली खेप आज पहुंच गई। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं हैदराबाद से। तो ये तस्वीरें जो दिखा रही हैं कि कोविड के टीकाकरण के लिए अब तैयारी पूरी है। और फिलहाल आपको सीधे प्रसारण के लिए ले जा रहे हैं, क्योंकि खादी उद्योग के प्राकृतिक पेंट को लेकर नितिन गडकरी इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। ये धंधा नहीं करना है,
हम ठाट से धंधा करना चाहते हैं। तो पहली बात तो ऐसी है कि वेस्ट टू वेल्थ की ये जो थ्योरी है, एक गाय, एक नीम का झाड़ और एक परिवार इकोनॉमी बदल सकता है। अब जो गिरिराज जी 2 रुपए किलो की बात कर रहे हैं, ये हमारा जो प्रोजेक्ट है ये 5 रुपए किलो गोबर खरीदता है। एक गाय जो होती है वो दिन भर में 20 से 30 किलो उससे गोबर निकलता है। क्योंकि मैं कोई भी चीज का इकोनॉमिक्स टेक्निकल ये हुए बिना मैं बात ही नहीं करता। और इसलिए ये अगर गाय, जिसको हमारे यहाँ मराठी में भाकड़ गाय कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं जो गाय दूध वगैरह नहीं देती, जो दूध भी नहीं देती, हाँ, तो वो अभी ये देखिए कि इकोनॉमिक्स कैसे बदलेगा। अगर 20 किलो अगर गोबर आएगा और 5 रुपए किलो भाव मिलेगा तो 100 रुपए मिल गए। फिर गोमूत्र से फिनाइल बनता है, 10 चीजें बनती है, उसका भी पैसा मिल जाएगा। और गाय को मैं ऐसा कहता हूं कि गोहत्या बंदी बिल्कुल सही बात है, पर जब गाय से अगर उत्पन्न मिलेगा तो गाय कोई बेचेगा क्यों? गिरिराज जी ने जल्दी जल्दी में बताया, मेरा आपसे अनुरोध है आप एक बार गिरिराज जी के पास जाकर, मैं भी उस स्कीम में उनके पीछे लगाऊं, मेरा सपना है। क्या सपना है? 1962 में ब्राजील ने हमारे देश से एक साहिवाल जात का सांग बुल ब्राजील लेके गए, और साहिवाल बुल के संतति जो पैदा हुई आज ब्राजील में वो 60 लीटर की गाय है। अब उस गाय का जो ओरिजिन था उसका एक बुल था, उसका सीमेंस हम इंडिया में ला रहे हैं, और वो सीमेंस में हम गाय का पेट भी ट्रांसफर कर रहे हैं, और वो सीमेंस जो है गाय जब गर्म होगी तो वो 60 लीटर वाली जो गाय है उसका जो बुल है उसका सीमेंस हम उसको यहाँ के 2 एकड़ वाले 2 लीटर और 1 लीटर वाले गाय को देंगे, तो जो गाय तैयार होगी वो 25 लीटर दूध वाली तैयार होगी, देशी गाय। ये जर्सी की और उस्टर्न की कोई जरूरत नहीं। अब उसी गाय का पेट अगर पूरा किया है हमने सब, मैं हमारे यहाँ नागपुर में हुआ, गिरिराज जी आए, 5 बछड़े हुए, 5 जैसे बेटी बचाओ अभियान है वैसा ये हमारे यहाँ बहन बचाओ। अच्छा, इसमें और टेक्नोलॉजी हुई है कि गाय को हम ऐसी टेक्नोलॉजी है कि 100% पकड़ लो आप, गोरी ही होगी, गोरा नहीं होगा। इधर लड़का चाहिए बोलते हैं बेटी बचाओ, उधर बेटा बचाओ काम करना पड़ेगा। 100% गोरी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जो इस वक्त नई दिल्ली में अपना संबोधन प्रस्तुत कर रहे थे, और मौका भी बहुत खास था क्योंकि खादी इंडिया ने प्राकृतिक पेंट लॉन्च किया है, और इसकी खासियत ये है कि ये गोबर से बना हुआ पेंट है और इसमें 8 लाभ यानी 8 लाभ है इस पेंट के, और आज इसको लॉन्च किया गया है। और एक बार फिर रुक कर लेते हैं उसी खबर का जिसको हम पहले भी आपको बता रहे थे, और वो है कोविड के टीकाकरण से जुड़ी हुई, क्योंकि हम जानते हैं कि आज का दिन अहम इन मायनों में रहा है कि सुबह से ही कोविड के वैक्सीन को पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से लेकर देश के अलग अलग शहरों तक पहुंचाया गया। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखाते रहे हैं, साथ ही बेंगलुरु में भी आज वैक्सीन की पहली खेप पहुंच गई है और सीरम इंस्टीट्यूट पुणे से इसे बेंगलुरु तक पहुंचाया गया। ये तस्वीरें आपके सामने हैं कि किस तरीके से इन हवाई उड़ानों के जरिए पुणे से ये वैक्सीन की खेप देश के अलग अलग शहरों तक सुरक्षित तरीके से पहुंचाई गई है, और तमाम एहतियात तो बरती ही गई हैं लेकिन साथ ही साथ सुरक्षा का भी खास ख्याल रखा गया है। और नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी देश भर में वैक्सीन पहुंचाए जाने के इस अभियान को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने ट्वीट पर लिखा, नागरिक उड्डयन क्षेत्र ने एक और महत्वपूर्ण मिशन शुरू किया है। उन्होंने बताया कि एयर इंडिया, स्पाइस जेट, गो एयर और इंडिगो की 9 फ्लाइट्स के जरिए टीकों के 56.5 लाख डोज के साथ दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, गुवाहाटी, शिलोंग, अहमदाबाद, हैदराबाद, विजयवाड़ा, भुवनेश्वर, पटना, बेंगलुरु, लखनऊ और चंडीगढ़ सहित कुल 13 स्थानों पर पहुंचाए जाएंगे, और बहुत सारे स्थान ऐसे हैं जहाँ ये पहले ही पहुँच भी चुकी हैं। तो कोविड वैक्सीन को पुणे से देश के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाया जा रहा है ताकि 16 तारीख से ये टीकाकरण अभियान सुरक्षित तरीके से शुरू हो सके।
और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे रिपोर्टर्स भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ मुकेश शुक्ला हैं जो इस वक्त नई दिल्ली एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। हमारे साथ धीरज हैं जो इस वक्त राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में मौजूद हैं। ये वही है जहां पर दिल्ली में जो वैक्सीन आई है तो इसको वहीं लेके जाया गया है। हमारे साथ कोलकाता से अनिव्रतो भट्टाचार्य भी मौजूद है। सबसे पहले अनिव्रतो आप ही के पास आके पता करना चाहेंगे, क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें हमने दर्शकों को दिखाई हैं, कोलकाता के बारे में भी जानना चाहते हैं कि कोलकाता में वैक्सीन के पहुंचने का कार्यक्रम क्या रहा है, कहां इसको स्टोर किया जाएगा, क्या कुछ प्लानिंग की गई है। या ममता, यू नो पीपल हियर इन वेस्ट बंगाल इज हीविंग अ साई ऑफ रिलीफ दैट एट लास्ट द वैक्सीनाइजेशन प्रोसेस टू बी रोल्ड आउट टू यू नो मेक एन एंड ऑफ दिस कोरोना पैंडेमिक। द थिंग इज दैट एज यू हैव हर्ड दैट बाई 2 to 2:30 PM the first batch of Covishield vaccine, that is Indian drug regulator approved vaccine, will reach Kolkata airport by you know Indigo flight, and thereafter you know modalities are to be framed, because you know it is to be to in a refrigerated container, it is to be taken into the West Bengal drug storage center. The West Bengal government you know set up you know modalities because still West Bengal is reeling under this corona pandemic, and although it's in low wave now, but Kolkata, along with Kolkata, two other district, North and South 24 Pargona, we have heard that you know people are getting affected by and large by corona pandemic. The thing is that soon it will reach Kolkata airport. It is to be taken into this West Bengal state drug storage center. Thereafter, West Bengal government has asked the state run hospital and the private hospital to send them a list of हमारे संवाददाता कोलकाता से अनिव्रतो जो हमें बता रहे हैं कि 2:30 बजे के करीब वो वक्त है जब इंडिगो की फ्लाइट से वैक्सीन को पहुंचाया जाएगा, पहुंच जाएगी कोलकाता तक। इस वक्त हमारे साथ धीरज और मुकेश भी जुड़े हुए हैं दिल्ली से ही। मुकेश, सुबह का वक्त वो वक्त था जब दिल्ली में वैक्सीन पहुंची है, तो आप तो उस मौके का गवाह भी बने हैं। बताइए हमें जरा कि क्या कुछ एहतियात बरती गई जब ये वैक्सीन वहां पहुंची। जी ममता, ये बिल्कुल ही एक ऐतिहासिक पल था, ना केवल भारतवासियों को बल्कि आम जनता को भी इसका बेसब्री से इंतज़ार था। और दिल्ली के कार्गो टर्मिनल पे इस समय मौजूद हैं गेट नंबर 6 के पास, और यहाँ पर सुबह से ही मीडिया का जमावड़ा था, साथ ही साथ यहाँ पर पूरी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। इसी के बीच में अभी जो कोरोना वैक्सीन की पहली खेप है वो रवाना की गई है, ये यहाँ से करनाल जाएगी। जी मुकेश, और उसके बाद करनाल के बाद जो दूसरी खेप है उसको भी लोड किया जा रहा है और उसको दिल्ली के राजीव गांधी इंस्टीट्यूट भेजा जाएगा, कैंसर इंस्टीट्यूट में। तो वो दूसरी अभी लोड हो रही है, और काफ़ी समय लग गया था इनको लोड करने के लिए, क्योंकि इनको उस टेम्परेचर में रखा गया था और पूरे मापदंड के पूरे एहतियात के साथ इसको रिलीज़ किया। ग्रीन कॉरिडोर दिल्ली पुलिस ने इसके लिए मुहैया कराया, ट्रैफिक के ट्रैफिक ने जो अपनी गाड़ियाँ उपलब्ध कराई उसमें इनको एक्सकॉर्ट करके और जल्दी से जल्दी इनको इनके डेस्टिनेशन पर पहुँचाया जाए, इसके मद्देनजर तमाम प्रोटोकॉल को फॉलो किया गया। तो बड़ी राहत की खबर है और सभी को इसका इंतजार था, हम सभी को इसका इंतजार था, और आज हम इसके गवाह भी बने। और निश्चित तौर पर ये बड़ी जीत होगी भारत के लिए, जितनी जल्दी ये वैक्सीन स्प्रेड होगी अक्रॉस द कंट्री उतनी जल्दी इस आपदा से देशवासियों को बाहर निकाला जाएगा। पहले अगर देखें तो फ्रंटलाइन वर्कर्स को 3 करोड़ लोगों को इसके वैक्सीन मुहैया कराई जाएगी, उसके बाद 27 करोड़ लोगों को ये वैक्सीन दी जाएगी जो दूसरे फेज में होगी। और कोविनिक्स करके एक ऐप भी यहाँ पर सरकार लॉन्च करने जा रही है जिसके तहत इसके रजिस्ट्रेशन जाएंगे, उसके मद्देनजर ही आपको ये वैक्सीन दी जाएगी, जिसके लिए आपको डीएल, आधार कार्ड, पासपोर्ट, वो तमाम फोटो आई कार्ड देने पड़ेंगे, जिस पे आपको मैसेज आएगा और उसी मैसेज के आधार पर आपको वैक्सीन दी जाएगी। जी, चूंकि आपने कोविन ऐप की बात की है मुकेश, तो अपने दर्शकों को हम यहाँ पर यह भी बताना चाहेंगे कि अभी इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन सामान्य लोगों के लिए नहीं शुरू हुई है, इसलिए बहुत सारे लोग हैं जिनको ऐसे गलत कॉल्स भी आ रहे हैं कि आइए आपका रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, पैसे दे दीजिए, तो ऐसा कुछ प्रक्रिया अभी सरकार की ओर से शुरू नहीं हुआ है। हमारे साथ धीरज भी जुड़े हुए हैं। धीरज, आप राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वहां मौजूद हैं जहां इस वैक्सीन को पहुंचाया जा रहा है, जहां से दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में जहां जहां टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं वहां तक इन्हें पहुंचाया जाएगा, क्या कुछ जानकारी आपके पास? जो बहुत आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, और जो राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में वो तमाम तैयारी की गई है, क्योंकि यहाँ जो सुबह सुबह ही खबर आई थी कि यहाँ वैक्सीन पहुँचेगी, और जो वैक्सीन का जो है वो
स्टोरेज सेंटर इसी को बनाया जाएगा। तो इसके लिए वो तमाम तैयारी सुबह से जो डॉक्टरों की एक टीम जो है यहाँ पे लगी हुई थी, उन तैयारियों को उन देखने के लिए कि कैसे वैक्सीन को स्टोर किया जाएगा, फिर उसके बाद टीकाकरण की जो प्रक्रिया है वो 16 तारीख से कैसे शुरू होगी, इन सारे मुद्दों पे यहाँ पे तैयारी चल रही थी। और सबसे अहम बात ममता जी, मैं आपको बता दूँ कि हमारे साथ डॉक्टर अजीत जैन जो कि नोडल ऑफिसर हैं राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की, वो आपको तमाम बातों की जानकारी देंगे कि यहाँ की क्या तैयारी है, कैसे टीकाकरण अभियान शुरू होगा। जी, तो सबसे पहले आप मुझे बता दें कि यहाँ क्या क्या तैयारी है और ये जो अभियान होगा वो कैसे शुरू होगा। हम लोगों ने यहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर बनाया है, जो वैक्सीन स्टोरेज का है वो तो सबको पता ही है। हमारा ये सेंटर वैक्सीनेशन सेंटर भी रहेगा, जिसकी हम लोगों ने पूरी ड्राई रन भी किया है और रिहर्सल किया है। इस जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है इसके अंदर बेसिकली 5 लोग इन्वॉल्व रहेंगे, 4 वैक्सीनेशन ऑफिसर और 1 वैक्सीनेटर ऑफिसर। तो जो भी लोग यहाँ आएंगे वैक्सीन के लिए, वो सबसे पहले हमारे वैक्सीनेशन सेंटर पे आएंगे और वहाँ पर उनको वैक्सीनेशन ऑफिसर नंबर 1 मिलेंगे, जो सिक्योरिटी कंसर्न से उनके पेपर्स चेक करेंगे, उनका आईडी चेक करेंगे और जब वेरीफाई कर लेंगे कि उनको वैक्सीनेशन आज इस सेंटर पे इस समय लगना है तो उन्हें वो अंदर भेजेंगे। अंदर जो कंप्यूटर डेटा ऑपरेटर वैक्सीनेशन ऑफिसर नंबर 2 होंगे, वो उनकी सारी डिटेल वेरीफाई करेंगे, अपने पोर्टल पे उनकी सारी डिटेल को अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद में वो उनको वेटिंग हॉल में भेजेंगे, जहाँ वेटिंग हॉल के अंदर वो वेट करेंगे। जब ऐसे 10 पेशेंट का वेरिफिकेशन होके हमारे वेटिंग हॉल में आ जाएंगे, उसके बाद में जो वैक्सीनेटर ऑफिसर हैं वो अपने वैक्सीनेशन रूम में दूसरे रूम में जाएंगे, जहाँ पे उनको वो टीका लगाएंगे और वैक्सीनेशन देने के बाद में उनको जो अगला रूम रहेगा ऑब्जर्वेशन रूम, उसमें रखेंगे। ऑब्जर्वेशन रूम के अंदर वो लगभग 30 मिनट तक रहेंगे और 30 मिनट के बाद उनको फिर घर भेजा जाएगा। ये बेसिकली एक प्रक्रिया रहेगी हमारे वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन लगाने की। धीरज, आपसे एक जानना चाहेंगे, इनसे एक सवाल हम चाहेंगे कि आप इनसे पूछ के हमें ये बता सकें, धीरज अगर हमें आवाज आ रही है तो, कि एक दिन में कितने लोगों को वैक्सीनेशन लगाया जाएगा। सरकार ने आंकड़ा निर्धारित किया है 100 का, कितने लोगों को एक दिन में टीकाकरण करने का लक्ष्य लेकर ये भी चल रहे हैं और ओपन वायल पॉलिसी को भी क्या ये फॉलो करेंगे? इस वक्त आपको रोकना चाहेंगे धीरज, इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज आ रही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में नए कृषि कानूनों को लेकर लगातार सुनवाई चल रही थी, जिसको लेकर अब एक बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से कि नए कृषि कानूनों पर रोक लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने नए कृषि कानूनों पर रोक लगा दी है, यानी कोर्ट में जो सुनवाई जारी है, जब तक वो सुनवाई खत्म नहीं होती तब तक इन कृषि कानूनों के क्रियान्वयन को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। और जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विकास सारथी हमारे साथ जुड़े हुए। विकास, कल हमने सुना कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा जब इन याचिकाओं पर सुनवाई हो रही थी, आज जब कृषि कानूनों पर रोक लगाने का निर्णय लिया है सुप्रीम कोर्ट ने, तो क्या कुछ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? देखिए, कोर्ट ने कल भी ये बात कही थी कि जो एक विश्वास बहाली के लिए किसान संगठनों के बीच बेहतर होगा कि फिलहाल कानून के अमल पर रोक लगा दी जाए, यानी कि जो कानून है उस पर किसी तरह की अभी उस पर पूरी तरह से रोक नहीं लगाई गई है, बस एक उसको एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा, यानी अमल में नहीं लाया जाएगा जो भी प्रोविजंस हैं, जब तक कि ये जो एक समिति आज सुप्रीम कोर्ट ने गठित की है 4 सदस्यों की, इसमें जो एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट हैं वो हैं, इसके अलावा और विशेषज्ञ हैं एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए। अब इस कमेटी का क्या स्वरूप होगा, इनको किस तरह की पावर्स होंगी, इसको लेकर के एक विस्तृत आदेश सुप्रीम कोर्ट आज जारी कर देगा किसी भी समय दोपहर बाद। और इसका इसको कितना समय दिया गया है समिति को, क्या कोई तय समय सीमा के बीच समिति को अपने पूरी जो प्रक्रिया है उसको पूरा करना है, ये सारी बातें लिखित आदेश जब आएगा तो उसमें स्पष्ट हो पाएंगी। लेकिन कोर्ट आज उसी बात पर कायम था फिलहाल जो पिछले कई दिनों से चल रही थी कि बीच का रास्ता निकालना होगा, ये समिति जो बनाई जाएगी किसानों की बातों को सुनेगी और किसानों के बीच अगर कोई भ्रम है, अगर उनको ये लगता है कि सरकार से जब वो बात करते हैं तो उनको उस तरह का आश्वासन नहीं मिल रहा है, अगर उन्हें ऐसा लगता है तो समिति एक न्यूट्रल एंटिटी है, एक बिल्कुल न्यूट्रल बॉडी होगी, तो इसीलिए उसके सामने किसान अपनी बात जब रखेंगे और समिति उस बारे में किसानों को बताएगी कि क्या उनकी आशंकाएं सही हैं, गलत हैं, क्या है, तो बेहतर
बातचीत हो पाएगी, इसीलिए समिति को लेकर बार बार सुप्रीम कोर्ट ये बात कह रहा था और उसी पर आज आदेश कोर्ट ने अपना पारित कर दिया है। ये अस्थायी रोक है, यानी जब तक की समिति की रिपोर्ट नहीं आ जाती, किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच जाते, तब तक अमल पर रोक लगाई गई है। और इसके अलावा और कुछ और भी मसले थे इस बीच में, जैसे कि क्या इस बीच किसान सड़क से हटके किसी धरना स्थल पर शिफ्ट होने के लिए तैयार हैं, इन पहलुओं पर भी जो लिखित आदेश आएगा उसमें जानकारी मिल पाएगी। और जो विषय हैं इससे जुड़े हुए, लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े हुए, कोविड की प्रोटोकॉल को फॉलो करने से जुड़े हुए, उन सब बातों पर सुप्रीम कोर्ट आगे भी सुनवाई जारी रखेगा। लेकिन जो बड़ी बात थी वो ये कि किसी तरह से बातचीत आगे बढ़े, जो एक तरीके का पूरा डेडलॉक हो गया है उसको खत्म किया जाए, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट जो पहले दिन से बात कह रहा था उस पर ही आज भी अमल किया और एक समिति गठित कर दी। जी, यानी जो सुप्रीम कोर्ट में मामले चल रहे थे, याचिकाएं थी जिन पर सुनवाई हो रही थी, विकास, उसमें दो तरीके की याचिकाएं थी, एक जो कानूनों की बात कर रहे थे, इनकी वैधता की बात कर रहे थे, दूसरी याचिकाएं जो धरना प्रदर्शन को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे हैं उन पर सुनवाई हो रही थी। तो जो आपने बात कही है हमें कि एक समिति गठित की गई है जिसमें 4 से 10 होंगे, और साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण बात कि अभी अमल नहीं किया जाएगा इन कृषि कानूनों पर, अमल पर रोक है, कानून बने रहेंगे लेकिन उनके अमल अभी नहीं किया जाएगा, आगे नहीं बढ़ाया जाएगा इस काम को। साथ ही विकास, क्योंकि हमने सुना कि जब ये समिति बनाने की जब से बात हो रही है तब से किसान इस हट पर अड़े हैं कि नहीं, कृषि कानूनों को ही खत्म करिए, हम किसी समिति से बात नहीं करना चाहेंगे। अदालत ने भी जब ये बात कही थी, कल भी ये बात हुई थी, तब भी किसानों का रुख इस पर बहुत सहयोगपूर्ण नहीं रहा था, तो क्या कुछ प्रतिक्रियाएं उनकी तरफ से भी आई हैं? क्योंकि याचिकाकर्ताओं की जब याचिकाओं पर सुनवाई हो रही थी तो ये भी बात सामने थी कि किसानों से भी बात की जा रही है, उनका रुख भी अब बदलना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, देखिए कोर्ट के सामने आज ये बात उठाई गई फिर से, और ये भी यहाँ पर वरिष्ठ अधिवक्ता हैं हरीश सालवे जो एक याचिकाकर्ता के तौर पर इस मामले में पेश हो रहे थे, उन्होंने ये बात उठाई कि कल किसान संगठनों की ओर से 4 वकील पेश हुए थे सुप्रीम कोर्ट में, प्रशांत भूषण, दुष्यंत दवे और कॉलिन गोंसाल्वेस, ये सभी, इन सभी लोगों ने कहा था कि किसान संगठनों की तरफ से पेश हो रहे हैं और ये बात करेंगे कि किसान संगठनों से कि क्या वो समिति के सामने जाकर अपनी बात रखेंगे। लेकिन आज उन चारों वकीलों में से कोई भी वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो हियरिंग होती है उसमें शामिल नहीं हुआ। तो हरीश सालवे ने एक बार फिर ये आशंका जताई कि क्या किसान इस बात के लिए तैयार हैं जो समिति गठित की जा रही है, उसके साथ वो सहयोग करेंगे। अब ये सारी बातें आगे साफ हो पाएंगी, लेकिन फिलहाल कोर्ट को ये लगता है कि जो द्विपक्षीय बातचीत चल रही थी उससे कोई सकारात्मक नतीजा नहीं निकल रहा था, इसीलिए एक न्यूट्रल बॉडी जिसको हम कह सकते हैं कि जिसमें ना ये कहा जा सकता है कि वो सरकार की बात रखेगी ना वो किसानों की बात रखेगी, वो एक विशेषज्ञ समिति है और वो आशंकाओं के बारे में किसानों की बात को सुनेगी और एक न्यूट्रल राय, बिल्कुल जो किसी भी तरफ झुकाव के बिना अपनी बात किसानों को समझाएगी कि इस पर उनकी आशंकाएं सही हैं, गलत हैं, कैसी हैं। साथ ही विकास, एक महत्वपूर्ण बात ये भी, क्योंकि जब हम बात करते हैं कि किसान कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है तो उसमें ये बात स्पष्ट की गई थी कि कानूनी वैधता की बात हो रही है, कानूनों में और क्या गलत सही वो बात बात की बात है। तो अब जबकि ये समिति सुनवाई करेगी और ये दोनों पक्षों से बातचीत करेगी तो उसमें क्या, उस बातचीत के क्या मायने रहेंगे? बिल्कुल, देखिए समिति की जो अंत में जो भी निष्कर्ष पर समिति पहुंचती है वो चीजें सुप्रीम कोर्ट में आएंगी, यानी अगर समिति जो भी रिपोर्ट देती है वो पहले सुप्रीम कोर्ट के पास आएगी, उसके बाद ये सारे विषय खुलेंगे कि इसकी वैधानिकता को चुनौती दी जानी चाहिए, कानून में ऐसी कोई बात है जो संविधान की भावना के अनुरूप नहीं है, वो सारी बातें तब खुलेंगी। फिलहाल अभी जो भी जिम्मेदारी है वो अब इस समिति के ऊपर है कि वो दोनों पक्षों के बीच बातचीत कराए, दोनों पक्षों की बातों को सुने और फिर आगे अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में रखे। तो ये ममता पहले दिन से ही चीफ जस्टिस इस बात पर लगातार कह रहे थे कि कुछ हासिल नहीं हो पा रहा है बातचीत के लिए, कई मौकों पर सुनवाई को टाला भी गया लेकिन उससे भी कोई नतीजा नहीं निकला। और एक बात और थी कि कोर्ट लगातार ये बात कह रहा था कि जिस तरह से ये चीजें खिंच रही हैं, अगर ऐसा होता है कि किसी तरह की कोई हिंसा हो जाए और किसी तरह की जान माल की हानि होती है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, क्योंकि इस समय मामला कोर्ट के सामने भी है। तो एक वो आशंका लगातार कोर्ट के दिमाग में थी और इसीलिए ये रास्ता कोर्ट ने कहा कि उचित लगता है कि विश्वास बहाली के लिए फिलहाल कानून के अमल पर रोक लगा दी जाए और जो भी ग्रीवांसेस हैं, जो भी किसानों की आशंकाएं हैं उसको वो इस समिति के सामने रखें और समिति बेहतर स्थिति में होगी किसानों को समझाने के।
जी बहुत बहुत शुक्रिया विकास इस सारी खबर को हम तक पहुंचाने के लिए। तो बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है वो सुप्रीम कोर्ट से आ रही है कि कृषि कानूनों के अमल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है और एक समिति गठित की है जिसमें 4 सदस्य होंगे और जो अब आगे अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपेंगे। लेकिन क्या स्वरूप रहेगा, क्या कुछ समय सीमा रहेगी, वो तमाम बातें भी थोड़ी देर बाद स्पष्ट हो सकती हैं। फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहे मिड डे प्राइम। बड़ो 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 मेरे संग, बड़ो 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 मेरे संग, बड़ो 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 बड़ो। कुछ इसी तरह बच्चों के साथ साथ बढ़ते हैं LIC के चिल्ड्रंस प्लान्स, जो दे आकर्षक भुगतान बच्चों की हर बढ़ती अवस्था में। पहला अक्षर अरट लो तो वह से एक विद्वान होगा, पक्की होगी बुनियादे तो हा से हिंदुस्तान होगा। पहल करो शुरुआत करो, करो तो मन की बात करो। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। और ब्रेक के बाद मिड डे प्राइम में बात ताजा खबर की। सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने अपनी सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान और चीन को साझा खतरा बताते हुए कहा कि एक ऐसी हकीकत है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। साथ ही उन्होंने भरोसा दिलाया कि सेना किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। सेना में नई तकनीक के इस्तेमाल पर जनरल नरवणे ने कहा कि भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए एक विस्तृत योजना तैयार की गई है ताकि मौजूदा सभी तकनीकों का इस्तेमाल करके आधुनिक तकनीक से सुसज्जित सेना बनाई जा सके। मोर देन 80-85% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स व्हिच हैव बीन साइंड आर विद आवर ओन इंडियन कंपनीज एज पार्ट ऑफ आवर एफर्ट्स टू इंडिजनाइज and in keeping with the Honorable Prime Minister's call for Atmanirbhar Bharat. We have also got the necessary budgetary support to keep pace for our modernization plans. We had sponsored a study through the Army Training Command to look into what all niche technologies we need to transform ourselves into this technology-enabled force. और एक बार फिर रुक कर लेते हैं कृषि कानूनों से जुड़ी खबर का। हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो इस वक्त हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से ही जुड़े हुए हैं। विशाल, चूंकि हर एक को इंतजार है इस बात का कि इस समस्या का समाधान निकलना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं आम जन को भी बहुत समस्याएं हो रही हैं, दिक्कतें हो रही हैं, किसानों को तो मुश्किलें हो ही रही हैं क्योंकि वो मुश्किल परिस्थितियों में बॉर्डर पर, दिल्ली के बॉर्डर पर मौजूद है। लेकिन जो निर्णय आज लिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उनसे कितनी उम्मीद जगती है कि अब किसान भी आगे आएंगे, थोड़ा लचीला रुख अपनाएंगे ताकि समस्या का समाधान हो सके? जी बिल्कुल ठीक कहा ममता आपने, ना सिर्फ कम किसान बल्कि आम आदमी भी काफी दिनों से परेशान है। और अगर मैं अपनी बात करूं तो जैसे कि मेरा घर जयपुर में है, मेरा आना जाना इतना मुश्किल हो गया था क्योंकि काफ़ी दिनों से किसान जो है एजिटेशन में बैठे हुए अपनी मांगों को लेकर। और आज जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि ये जो फार्मर लॉ है इसको स्टे लगा दिया है, इस पर रोक लगा दी है और 4 मेंबर की जो पैनल बनाया है उन्होंने, उस पर अब किसानों को क्या रुख होगा ये देखना बहुत ज़रूरी होगा। साथ ही मैं 2 और इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको बताऊँगा कि अटर्नी जनरल ने यह कहा कि वहाँ पर जो एजिटेशन हो रहा है वहाँ पर खालिस्तान समर्थन के नारे लग रहे हैं, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी कड़ा रुख लिया है और उन्होंने कहा कि इस पर सरकार को वेडनेसडे तक एक एफिडेविट फाइल करना चाहिए और ये बहुत गलत बात है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि अटर्नी जनरल ने जब ये बताया कि ये एक लॉ एंड ऑर्डर का मामला है जहाँ तक किसानों को दिल्ली में आने का है, तो उस पर भी उन्होंने कहा कि किसानों की जो ट्रैक्टर रैली है उसके लिए पुलिस की क्या व्यवस्था है, इस पर पुलिस मंडे को कोर्ट के पास वापस आए और कोर्ट इस बारे में देखेंगे कि किस तरह से इसको ठीक किया जा सकता है। लेकिन जहाँ तक किसानों की बात है, अब उनकी तरफ से क्योंकि वो ये कह रहे थे कि हम पैनल में नहीं जाएंगे, हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑर्डर आता है। सुप्रीम कोर्ट ने जब इस
कानून पर रोक लगा दी जिसकी वो काफ़ी दिनों से एतराज़ जता रहे थे। तो अब ये देखना होगा कि वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं और चार मेंबर्स का जो पैनल बनाया गया है उस पर कितनी सहमति उनकी होती है, लेकिन लग रहा है कि अब कोई रास्ता निकलेगा। ममता, लेकिन विशाल, जैसे अभी ट्रैक्टर रैली की बात की आपने और हम जानते हैं कि सरकार भी कोर्ट तक पहुंची है ये कहने के लिए कि ट्रैक्टर रैली को रोका जाए क्योंकि इससे कानून व्यवस्था की स्थिति समस्या उत्पन्न हो सकती है। आपने कहा सोमवार को इस पर सुनवाई हुई, क्या इस मामले में भी, इस दिशा में भी आगे कुछ रोक वाली उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि जाहिर है कि कानून व्यवस्था पर तो इसका असर पड़ेगा। जी ज़रूर, और जैसा कि आप जानते हैं कि 26 जनवरी को किसानों ने ऐलान किया था, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, पूरी दुनिया देखती है भारत के गणतंत्र दिवस को और ये एक हमारा नेशनल इवेंट है और सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट है। इसको लेकर सरकार और कोर्ट दोनों ही काफ़ी सीरियस नज़र आ रहे हैं। और मैं आपको ये बता दूँ कि जब कोर्ट ने ये कानूनों पर रोक लगाई है, टिल फर्दर ऑर्डर्स ये रोक लगी है, इस पर किसानों का क्या रुख है ये बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ और किसान क्या फैसला लेते हैं ये जानने की अभी हमें ज़रूरत है, क्योंकि जो उन्होंने बात कही थी रैली निकालने की, ये तब कहा था जब वो अपनी मांगों पर अडिक थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने चार मेंबर्स का एक पैनल बनाया है और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिफॉर्म्स को टिल फर्दर ऑर्डर्स रोका गया है, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना कि किसानों का क्या रुख रहता है, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि पहले हम ऑर्डर देखेंगे उसके बाद हम तय करेंगे कि हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो अब हमें इंतज़ार करना होगा कि किसानों का क्या रिएक्शन होगा इसके ऊपर। विशाल, साथ ही जो समिति बनाई गई है इसको लेकर भी अब सब में उत्सुकता है कि समिति के को लेकर क्या कुछ बिंदु सामने आते हैं, क्योंकि एक एक दिन बहुत ज़रूरी है। ऐसे में समय सीमा क्या निर्धारित की जाती है, इस पर भी सबकी नज़र रहेगी। बिल्कुल ठीक है ममता, आपने अभी डिटेल्ड ऑर्डर आना बाकी है और हमारे सहयोगी जो इस पल पल की रिपोर्ट देते विकास सारथी कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे। अभी डिटेल ऑर्डर कोर्ट का आना बाकी है, लेकिन जो मुख्य बिंदु सामने निकल कर आया है वो ये कि चार मेंबर्स का पैनल बनाया गया है और किसानों से भी कहा जाएगा कि वो इस पैनल के सामने अपनी बात रखें। जैसे कि किसान संगठन पहले कहते रहे कि हम किसी पैनल के सामने नहीं जाएंगे, उन्होंने ये भी कहा कि हम कोर्ट का ऑर्डर देखेंगे उसके बाद अपना नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट मूव डिसाइड करेंगे। अब जबकि टिल फर्दर ऑर्डर्स तक इम्प्लीमेंटेशन पर रोक लगाई गई है, तो जो दो बातें हैं ट्रैक्टर रैली को लेकर और एजिटेशन को लेकर क्या उनका रुख रहता है, क्योंकि अब मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है और किसानों को मुझे लगता है कि कोर्ट की बात को सुनना चाहिए और कोर्ट की बात का सम्मान करना चाहिए और जो भी उनके इश्यूज़ हैं वो पैनल के सामने रखने चाहिए, ऐसी उम्मीद सब कर रहे हैं और जाहिर सी बात है किसान भी इस मामले को गंभीर तौर से लेंगे। और विशाल, चूंकि कानूनों को लेकर तो अभी एक निर्णय लिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि अभी फिलहाल कुछ समय के लिए जब तक की सुनवाई खत्म नहीं होती समिति के आगे किसान अपनी बात नहीं रखते, इस पर अमल पर रोक लगाई गई है, लेकिन वहीं धरना प्रदर्शन को लेकर भी कई याचिकाएं लगाई गई थी, कई याचिकाएं दिल्ली वासियों की तरफ से भी लगाई गई थी कि हमें मुश्किल हो रही है। क्या आने वाले वक्त में समिति अपना काम करती रहेगी, लेकिन आने वाले वक्त में इन सुनवाइयों पर भी और जानकारी सामने आ सकती है, कोर्ट इनको लेकर भी कुछ निर्णय दे सकता है? जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपको बताया दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे वेडनेसडे को एफिडेविट फाइल करना है अटर्नी जनरल को, ख़ास तौर से जो प्रो खालिस्तान मूवमेंट को लेकर नारे लगाए गए वो एंटी नेशनल है, उसको लेकर कोर्ट में एफिडेविट फाइल करने को कहा गया है। और दूसरी बात, मंडे को दिल्ली पुलिस को बोला गया है कि आप जो ये प्रपोज रैली है उस पर आप कोर्ट में आइए। तो ये सारी चीज़ों के मद्देनज़र ऐसा लगता है कि कोई ना कोई रास्ता निकलेगा, एजिटेशन अपनी जगह है लेकिन आम जनता और ख़ास तौर से जो हमारा नेशनल इवेंट है उस पर कोई आँच नहीं आनी चाहिए। आम जनता बहुत दिनों से परेशान है, ऐसा नहीं है कि किसान परेशान नहीं है, वो भी अपनी परेशानी बताते रहे हैं, लेकिन कोई ना कोई रास्ता अब चूंकि मामला एपिक्स कोर्ट के अंदर है ज़रूर निकल कर सामने आएगा। ममता जी, विशाल बहुत बहुत शुक्रिया सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ इस मुद्दे पर जुड़ने के लिए। तो नए कृषि कानूनों को लेकर बड़ी खबर इस वक्त जो आ रही है वो यही कि सुप्रीम कोर्ट ने इन कानूनों के अमल पर फिलहाल रोक लगा दी और एक समिति का गठन किया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर जी भी जुड़ गए हैं। शेखर जी, ये पूरी घटना को लेकर सभी लोगों की नजरें हैं कि कोई समाधान जल्द निकले, ऐसे में जो आज निर्णय लिए गए हैं उन्हें कितनी उम्मीद की किरण के तौर पर देखते हैं आप? ममता जी, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से एक पहलू शुरू की है, मुझे लगता है कि आगे बहुत इसके चैलेंजेस होंगे, क्योंकि अभी तक किसान के जो ग्रुप्स हैं अभी तक वो मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो कमेटी के साथ, जो कमेटी की बात की गई उसके साथ इंटरेक्ट करेंगे, अपने बात रखेंगे। लेकिन फिलहाल जो लग रहा है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट खुद इस पर हस्तक्षेप किए हैं
इसलिए उन पर भी एक प्रकार से दबाव पड़ेगा कि सारे बातें उनकी जो जो उनकी डिमांड्स है जिसको लेकर सरकार से इतने दिन इतने राउंड्स बातचीत हुए उस बात को फिर दोबारा रखें, क्योंकि अभी पूरा जब ऑर्डर आएगा उस पर पूरा विवरण होगा कि कौन कौन मेंबर्स होंगे उस कमेटी के। कई एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स की नाम दिया जा रहा है और साथ में कोई रिटायर्ड जज हो सकते हैं, रिटायर्ड चीफ जस्टिस हो सकते हैं, इस तरह की बातें किया जा रहा है। जब फाइनल ऑर्डर होंगे, जो रिटर्न ऑर्डर होंगे, उस पर स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन सवाल है कि देखिए कानून को लेकर कई सवाल हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट किसी कानून को रोकने के लिए तीन ही ग्राउंड पर रोक सकती है। वो है या वो कानून पार्लियामेंट की वो कॉम्पिटेंस में नहीं है कि वो कानून पास करने के लिए, दूसरा कि उस कानून और कोई कानून के खिलाफ है, तीसरा जो फंडामेंटल राइट्स का ही इससे कोई अफेक्टेड हो तो कर सकते हैं। लेकिन इस पर अभी सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय नहीं दिया, केवल प्रिलिमिनरी स्टेज में उन्होंने रोक लगा दी ताकि किसान के ग्रुप्स जो है वो आंदोलन समाप्त करे और ये कमिटी के साथ वार्तालाप करे, अपने बातें रखे। ममता जी, यानी शेखर जी, जो आज सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया उसमें ये भी स्पष्ट है कि इसके पीछे मंशा यही है कि बातचीत के जरिए, मध्यस्थता के ही जरिए इस पूरे मामले को सुलझाया जाए। बिल्कुल वही, देखिए एक ही वो है कि क्योंकि चीफ जस्टिस बोबड़े जी ने कई बार, कल भी हमने देखा, उनका यही था कि बातचीत आगे क्यों नहीं बढ़ रही है, क्यों फार्मर ग्रुप्स और सरकार के बीच में जो संवाद होनी चाहिए थे वो आगे क्यों नहीं हो रहा है, और अभी तक जो हुआ है उसमें कोई नतीजा पर पहुंच नहीं पाए। और दूसरी बात कि इस ठंड के मौसम में वहाँ पे बच्चे भी बैठे हैं, महिलाएं भी बैठे हैं, बुजुर्ग लोग बैठे हैं, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की ये विचार है कि ऐसी कितना दिन चलेगा। और ये दूसरी बात है कि सुप्रीम कोर्ट की ये चिंता भी है कि सिचुएशन ऐसा ना हो जाए कि उस पर कहीं और कोई टर्न ना ले ले इसको लेकर रहे। और सरकार की तरफ से आपने देखा होगा दिल्ली पुलिस ने एक पिटीशन जो फाइल किया है कि जो 26 जनवरी की इन्होंने ट्रैक्टर रैली लेने की बात की है उसके खिलाफ है, उस पर भी आज सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजा है। तो फार्मर ग्रुप्स को भी रिएक्ट करना होगा इसमें। बिल्कुल। और कल उनके लॉयर दशन दवे ने यह कहा था कि ट्रैक्टर रैली नहीं होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता अभी ये फार्मर ग्रुप्स की तरफ से कोई क्लियर कट अभी कोई जवाब नहीं आया कि होगा या नहीं होगा, लेकिन वो भी एक सुप्रीम कोर्ट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। जी शेखर जी, इसके ऊपर भी सोमवार को सुनवाई होनी है, यानी अभी सुनवाई आगे चलती रहेगी इन विभिन्न पहलुओं पर और याचिकाओं पर, लेकिन समिति गठित होने के बाद जब बातचीत शुरू होगी तो उस पर भी सबकी नजर रहेगी कि समाधान की ओर आगे बढ़े ये पूरा वार्तालाप। बहुत बहुत शुक्रिया शेखर जी इस महत्वपूर्ण खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मीडिया प्राइम में आज बस इतना ही, लेते हैं इजाजत। नमस्कार। महात्मा के मंत्र, स्वच्छता में ईश्वर का वास होता है। ज्वलंत मुद्दे, जनता के सरोकार। एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है। देश के अंदर एक वैसा वातावरण जब बन रहा है कि लोगों को शुभ है। नंगे हाथ पकड़ने के बाद कितनी जोर से शोर मचाई जा सकती है। बेबाक अंदाज में पक्ष विपक्ष से सवाल। आप उस संसद के प्रति जवाब दे है ना, ये नैरेटिव देगा कि वहाँ पर पैरेंट्स से बच्चों को मारा जा रहा है, ये नैरेटिव भी गलत है। फेक न्यूज फैलाने की इजाजत मैं दो फीट में किसी को नहीं दूंगा। ना फेक न्यूज ना झूठ, बात सिर्फ दो टूक। सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। हर दिन बदलती दुनिया, हर पल बनती नई खबरें, खबरें जिनसे सरोकार है आपको, खबरें जो रोज जगाती हैं आपको ताजा और वास्तविक समाचारों से। दिन की सही शुरुआत डीडी न्यूज के साथ नया सवेरा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर।
वैश्विक महामारी कोविड-19, जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। अब जब अनलॉक 5 के तहत लगभग सारा देश खुल गया है, तब और भी आवश्यक है कि हम सतर्क रहें। ऐसे में सबसे जरूरी है समझदारी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों के शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। मास्क पहनने से आप कोरोना से अपना और आसपास के लोगों का भी बचाव करते हैं। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ कोरोना से बचाव की इस पहल का हिस्सा बनने के लिए। साझा कीजिए मास्क पहनने के अपने अनुभव, अपने विचार हमारे साथ फेसबुक और ट्विटर पर। मास्क अप इंडिया डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। Hello and a very warm welcome to Midday Prime. With just a few days to go now for the rollout of the COVID-19 vaccination drive, whose first recipients would be healthcare workers and frontline workers in India. One of our top focus this afternoon would be on the transportation of batches of COVID-19 vaccine. That and a big order coming in from the Supreme Court. We'll tell you all about that and more. I'm Munmun Bhattacharya. Let's get started with the big news at this hour. Supreme Court stays implementation of new agricultural laws. The top court forms a committee on the issue, asks Attorney General to file an affidavit on allegations of pro-Khalistan organization's presence at the protest site. Supreme Court to hear Delhi police application seeking to restrain a tractor rally that has